नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वी लीड्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं एक सीरीज़ लेके चल रहा हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं 1000 डेली यूजर्स मीनिंग्स के बारे में, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी मीनिंग्स के बारे में, ऐसी मीनिंग्स जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगी, बोलचाल में, लिखने में, सुनने में। तो इससे आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ये वो समय है जब आप घरों में हैं और परेशान हो, तो कहीं ना कहीं आप टाइम पास के लिए या आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ अगली जो मीनिंग्स है उनके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके लिए 3 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये मैं आपको 3 वीडियो बना चुका हूं, तो आप इन वीडियो को जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप जाके देख लें, ठीक है। और वैसे भी आपको कोई भी वीडियो देखना हो मेरे चैनल से, तो आपको बस टॉपिक का नाम डालना है और बाय यशपाल सर डाल दें, बाय आपको यशपाल सर डालना है, आपको टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सारे ज़्यादातर टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, चाहे वो टेंसेज हो, चाहे वो पैसिवाइज हो, नरेशन हो, कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल्स हो, सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरूर जाके देखें यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो। तो लेटर, एसे, नोटिस, सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस समय, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और इस समय हमें देश का साथ देना चाहिए। और देश ही नहीं, हमारा इवन हमारे पूरा इवन पूरा वर्ल्ड इस समय बहुत मुसीबत में है, तो हमें साथ में खड़े होना पड़ेगा, सबको एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस समय ये मौका है कि हम देशभक्ति को दिखा सके, जो हमारे अंदर भरी है देशभक्ति, उसको दिखा सके। और आपको दिखाना क्या है? दिखाना कुछ नहीं है, आपको घरों में रहना है। आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर सकते हैं, घरों में पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। नई नई चीज़ें सीखिए, अपने आप को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। यदि आप जॉब में हैं तो अपने आप को और बेहतर कीजिए, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको ध्यान दीजिए, उनको और बेहतर कीजिए। तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, अपने घर वालों को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो चलिए ध्यान रखना ये चीज़ें, और बात करते हैं आज की टॉपिक की, आज की मीनिंग्स की। तो आज हम बात करें 51 पे हैं। एब्यूसली होता है और क्या, नाउ इट इज होता है 152, नाउ इट इज होता है दोस्तों क्या, आजकल, नाउ इट इज आजकल, वेयर आर यू लिविंग नाउ इट इज, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो, तो हम नाउ इट इज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने हैं कि 153 में एट द लिस्ट होता है कम से कम, एट द लिस्ट यू हैव टू डू दिस, कम से कम तुम्हें ये तो करना चाहिए, है ना, ये तो करना है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एट द लिस्ट। नाउ एंड देन होता है कभी कभार, नाउ एंड देन मतलब कभी कभार। और नो सुनर देन होता है ना तो ना, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, सुनर होता है जल्दी, लेटर होता है बाद में, सुनर और लेटर, तो यहाँ हो गया कभी ना कभी, मतलब देर सवेर, अभी या तो थोड़े समय बाद, कभी ना कभी, इस तरह का इसका सेंस निकलता है। नेक्स्ट है फॉर ऑल होता है सभी के लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू आपके लिए, फॉर अस हमारे लिए, फॉर कंट्री देश के लिए। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे देखिए फॉर एवर होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए।
सिंस लॉन्ग पहले से, या सिंस लॉन्ग टाइम लंबे समय से, या सिंस लॉन्ग बहुत पहले से, बहुत पहले से। ठीक है, तो यहाँ ऑफन, ऑफन होता है अक्सर, हमेशा, ऑफन मतलब अक्सर या हमेशा। ऑफन का यूज देखिए, यहाँ जो ऑफन है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर या हमेशा, और इसमें जो टी होता है, जो टी हमारा दिया गया है, वो टी क्या होता है, वो साइलेंट होता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑफन, ठीक है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। इवन नाउ, इवन नाउ का मतलब होता है अभी भी, इवन नाउ अभी, अब भी, इवन नाउ। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब अब से, फ्रॉम नाउ मतलब अब से, फ्रॉम टुडे आज से, फ्रॉम नाउ अब से, फ्रॉम टुडे आज से। और नेक्स्ट है लैक ऑफ। लैक ऑफ होता है की कमी से, लैक ऑफ की कमी से, लैक ऑफ की कमी से। जैसे मैंने कहा लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी से, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी से। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं है कि ये वायरस कितना खतरनाक है, इसलिए वो घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि भैया अंदर रहें, आप समझिए वायरस बहुत खतरनाक है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन चल रहा है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप अपना नुकसान नहीं कर 400-500 का नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन देश का देखो कितने का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का कितनों का नुकसान हो रहा है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। चलिए, लैक ऑफ मतलब की कमी से। जस्ट नाउ होता है अभी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, या जस्ट रिसेंटली भी होता है अभी अभी, अभी अभी हाल में ही। ठीक है, जस्ट रिसेंटली मतलब अभी हाल में ही, अभी अभी हाल में ही, तो यहाँ याद रखना। सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेटली अलग अलग। ठीक है, हमें अलग अलग रहना चाहिए आजकल, तो वी शुड लिव सेपरेटली। ठीक है, इस तरह से आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से, इस तरह से लंबे समय के बाद, या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू, आई एम लुकिंग यू, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ, है ना। जैसे नेक्स्ट है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग होता है शुरू से, फ्रॉम बिगनिंग मतलब शुरू से, फ्रॉम स्टार्टिंग भी होता है, फ्रॉम बिगनिंग भी होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। सराउंडिंग, सराउंडिंग्स होता है आसपास, सराउंडिंग होता है आसपास, जैसे सराउंडिंग अस, सराउंडिंग अस मतलब हमारे आसपास। ठीक है, तो सराउंडिंग का याद रखना, सराउंडिंग मतलब आसपास का। सो मच, सो मच होता है बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, तो ये याद रखना, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा। ओनली दिस मच, ओनली दिस मच, बस इतना सा ही, ओनली दिस मच, बस इतना सा ही, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट आपके सामने क्या है, नेक्स्ट आपके सामने है नॉट ओनली दिस, केवल इतना सा नहीं, नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं, मतलब और भी। नेक्स्ट है हियर एंड देयर। हियर एंड देयर होता है यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब यहाँ, दोनों को मिला दिया तो हो गया देयर, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। बिहाइंड, बिहाइंड होता है के पीछे, उसके पीछे, इसके पीछे, तो बिहाइंड दिस, बिहाइंड दैट। ठीक है, यदि उसके पीछे बात करें तो बिहाइंड दैट, इसके पीछे तो बिहाइंड दिस, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। टुवर्ड, टुवर्ड दिस, इसकी ओर, टुवर्ड दिस, इसकी ओर, और उसकी ओर तो टुवर्ड दैट, टुवर्ड दैट, इस तरह से बोल सकते हैं। बिफोर दिस, बिफोर दिस होता है इसके पहले, बिफोर दिस, इसके पहले। आई नेवर सॉ यू बिफोर दिस, मैंने आपको कभी नहीं देखा है इससे, इससे पहले, इससे पहले, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है
लाइक दिस होता है इस तरह का, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल, तो लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल, लाइक दिस इस तरह के लोग हमें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, लेकिन यहां हो जाए अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, तो उतार चढ़ाओ, उतार चढ़ाओ, जैसे आजकल चल रहे हैं उतार चढ़ाओ, उनको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स, मतलब अप्स एंड डाउन्स मतलब जैसे मैंने कहा नाउ इडेज अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग ऑन, आजकल उतार चढ़ाव चल रहे हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो उतार चढ़ाव होता है मतलब दुख सुख या क्रुशल कंडीशन, बेकार कंडीशन, उसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर विल टेक द मेडिसिन, एक के बाद दूसरा दवाई लेगा, मतलब एक ले लेगा डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद दूसरा आएगा दूसरा दवाई लेगा, ऐसे करके एक के बाद दूसरा। नेक्स्ट है ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी होता है प्रत्येक, ईच एंड एवरी प्रत्येक, मतलब जब हम सबकी बात करते हैं ईच एंड एवरी गर्ल एंड बॉय, तो वहां हम प्रत्येक लड़का और लड़की, तो उसकी इस तरह की बात की जाती है। वंस मोर, वंस मोर कई बार सुना होगा आपने, वंस मतलब एक बार, वंस मोर एक बार और, एक बार फिर, ऐसे बोल सकते हैं वंस मोर एक बार और, या एक बार फिर, वंस मोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप बाद में उसको नोट कर सकें, या आप कॉपी पेन लेके बैठा करें ताकि आप सारी चीज़ों को समझते हुए चले और उनको लिख भी लें, जैसा जो आपको मीनिंग अलग लग रही है, टफ लग रही है, वैसे तो ये बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग है जो मैं आपको याद करवाता चलूँगा, जो भी आपको टफ लगे वो आप लिख लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे देखें वंस अगेन, वंस अगेन होता है एक बार फिर, वंस अगेन एक बार फिर, वंस मोर एक बार और, वंस अगेन एक बार फिर, एक बार फिर हो जाएगा, सॉरी एक बार फिर या एक बार और, वंस अगेन, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट ए विंक, विंक होता है पलके झपकाना, तो विदाउट ए विंक मतलब बिना पलके झपकाए, बिना पलक झपके या झपका, इस तरह से हम बोल सकते हैं विदाउट ए विंक। लिटिल मोर, लिटिल मोर होता है थोड़ा सा, लिटिल मोर थोड़ा सा, यदि ऐसा होता बहुत थोड़ा सा तो लिटिल अ बिट, लिटिल अ बिट मतलब बहुत थोड़ा सा, लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा, यानी कि कुछ ज़्यादा, कुछ से तो ज़्यादा मतलब थोड़े से ज़्यादा, यानी कि लिटिल मोर। और यदि बात करूँ स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फर्दर, सॉरी स्टिल का मतलब जैसे लिखा स्टिल फर्दर, मतलब आगे और आगे भी, है ना, और भी आगे, यहाँ भी होगा और भी आगे, स्टिल फर्दर, आई विल हेल्प यू स्टिल फर्दर, मैं और भी आगे आपकी मदद करूँगा, आई विल अपलोड द वीडियो स्टिल फर्दर, मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा, इस तरह से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स होता है दोस्तों कई बार, मैनी टाइम्स मतलब कई बार, ठीक है। आई हैव सीन यू मैनी टाइम्स, मैंने तुम्हें कई बार देखा है, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैनी डेज, मैनी डेज होता है कई दिन, मैनी डेज कई दिन, ध्यान रखना मैनी डेज कई दिन। दिस प्रॉब्लम विल कंटिन्यू मैनी डेज, ये प्रॉब्लम कई दिन रहेगी, कई दिन चलेगी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सो मच दैट, सो मच दैट इस कदर की, सो मच दैट इस कदर की, इसका मतलब होता है सो मच दैट इस कदर की, सो मच दैट इस कदर की। नेक्स्ट है देन एट लास्ट, देन एट लास्ट मतलब तब कहीं जाकर, देन एट लास्ट मतलब तब कहीं जाकर, तब कहीं जाकर, देन एट लास्ट तब कहीं जाकर। नेक्स्ट है मोर देन इनफ, मोर देन इनफ होता है दोस्तों काफ़ी से ज़्यादा, मतलब ठीक है जितना हमें चाहिए था उससे भी ज़्यादा मिल गया, तो मोर देन इनफ, ठीक है इनफ होता है, चलिए ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन यदि मोर देन इनफ की बात हो रही है तो मतलब होता है काफ़ी से ज़्यादा, यानी कि
ठीक है, बहुत है, काम चल जाएगा और भी हमारे पास बच जाएगा, इसको बोलते हैं मोर देन इनफ, मतलब जितना हमें चाहिए था उससे भी ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके सामने है समथिंग मोर। समथिंग मोर होता है कुछ और, समथिंग मोर जैसे समथिंग एल्स था कुछ और, वैसे ही समथिंग मोर होता है, ठीक है। जैसे वुड यू लाइक टू टेक समथिंग मोर, क्या तुम कुछ और लेना चाहोगे, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं समथिंग मोर, ठीक है। देखिए वंस अगेन, एक बार और या एक बार फिर, विदाउट ए ब्लिंक, बिना पलक झपके, लिटिल मोर थोड़ा सा, स्टिल फर्दर और भी आगे, मेनी टाइम्स कई बार, मेनी डेज कई दिन, और सो मच दैट इस कदर की, देन एट लास्ट तब कहीं जाकर, मोर देन इनफ काफ़ी से ज़्यादा, समथिंग मोर कुछ और, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए अगला स्लाइड, अगला है आपके सामने कीप इन माइंड, ध्यान में रखना, ठीक है। डोंट गो आउटसाइड द हाउस, कीप इन माइंड दिस, अपने घर से बाहर मत जाना, ये हमेशा ये माइंड में रखना अपने, है ना। तो कीप इन योर माइंड दैट यू शुड नॉट गो आउटसाइड द होम या आउटसाइड द हाउस, तो ध्यान में रखना कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विथ ग्रेट रिग्रेट, मतलब रिग्रेट होता है पछतावा, रिग्रेट मतलब पछतावा, बड़े दुख के साथ, बड़े पछतावे के साथ, तो बड़े खेद के साथ हम बोल सकते हैं विथ ग्रेट रिग्रेट आई वुड लाइक टू अनाउंस, बड़े दुख के साथ, बड़े दुख के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज फार पढ़ते इसको, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके। देखिए ये तो है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, तो इसका मतलब था जितनी जल्दी हो सके, लेकिन एज फार एज मतलब होता है जहाँ तक हो सके, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रहें, जहाँ तक हो सके घर से बाहर ना जाएं। एज फार एज पॉसिबल यू अवॉइड गोइंग आउटसाइड द हाउस, इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान भी रखना बात कि भाई घर से बाहर ना जाएं। अगला देखें मोर देन बिफोर, मोर देन बिफोर मतलब पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, मोर देन बिफोर, मोर देन बिफोर, ध्यान रखना, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग मोर देन बिफोर, कोरोना वायरस बढ़ रहा है पहले से ज़्यादा, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। इन एवरी मैनर, इन एवरी मैनर, हर तरह से, इन एवरी मैनर हर तरह से, हर तरह से, यू हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी मैनर, तुम्हें हर तरह से सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। आगे देखिए एज बिफोर पहले की तरह, एज बिफोर पहले की तरह, आज से 3 महीने बाद पहले की तरह स्थिति हो जाएगी, आफ्टर 3 मंथ्स द सिचुएशन विल बी सेम एज बिफोर, परिस्थिति पहले की तरह हो जाएगी सेम, तो उसको बोलते एज बिफोर, ठीक है। यदि आपने संयम रखा तो, यदि आप घर के अंदर रहे तो, अदरवाइज परिस्थिति बिगड़ भी सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और यहाँ यदि परिस्थिति बिगड़ गई तो संभालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए जो भी वीडियो देख रहे हैं लोग वो ध्यान रखें कि आप की वजह से आपके परिवार, समाज और देश को नुकसान हो सकता है, और ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि घर पे ही रहें, बाकी अपने आप को ध्यान दें, अपने खुद पर ध्यान दें, अपने परिवार को ध्यान दें और अपडेट रहें क्या चल रहा है देश दुनिया में, सो दैट मतलब ताकि, सो दैट ताकि, ठीक है, आप अंदर रहें ताकि क्या है, कोरोना वायरस से बचे रहें, ठीक है। आगे देखिए रफली, रफली होता है मोटे तौर पर, रफली मोटे तौर पर, रफली मोटे तौर पर मतलब लगभग लगभग की बात की जाए, या रफली बोल सकते हैं
रफली आई हैव डन दिस वर्क, मतलब मोटे तौर पे मैंने कर दिया है, बाकी एक बार चेक कर लेना, कोई कमी समी होगी तो बताना। रफली इस तरह से यूज करते हैं ना, जैसे हमारा रफ रजिस्टर होता है, फिर हम फिर में कर लिखते हैं उसको, ऐसे ही होता है। रफली मतलब मोटे तौर पर, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। द कोरोना वायरस इज इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे बाय डे, कोरोना वायरस बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसको रोकने के लिए हमें सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा, और एक साथ खड़े होने का मतलब है कि घर में बैठे रहना है, खड़े नहीं होना है, घर पे बैठे रहना है। घर पे कुछ ना कुछ काम करते रहें, घर की साफ सफाई करें, पढ़ाई लिखाई करें, अपना जो बेसिक है उसको मजबूत करें, जो वीक पॉइंट है उनको स्ट्रांग पॉइंट बनाएं। तो इस तरह से हम इस समय का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये मीनिंग याद हुई होगी, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इन सब मीनिंग का। एक बार मैं फिर आपको वो कर देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, ताकि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जल्दी से मैं स्टार्टिंग में जा रहा हूँ। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग उसका यूज़ कर सकें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकियों का, बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक इसका, तो डाउनलोड कर लें जाके, ठीक है। ले लिया, अगले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी मीनिंग है, काफ़ी काम आएगी। स्क्रीनशॉट लेते चलें, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी मीनिंग का, बड़ी काम की है। और इन पे ऊपर सेंटेंस बनाइए, घर पे बैठे बैठे आप लोग सेंटेंस बनाइए। बहुत अच्छा मौका है, जब आपको इस तरह का मौका मिला है, नहीं तो समय कहाँ मिल पाता है। जॉब वाले हैं, हाउस वाइफ है, बहुत बिजी रहते हैं, इवन कई बार तो ऐसा भी है, हाउस वाइफ भी है, जॉब भी करते हैं, तो कहाँ समय मिलता है। ये आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने आप को बेहतर बनाने में। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट सबके, नोट्स तैयार कीजिए। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, 10th 12th कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट हैं, नोट्स तैयार कीजिए, और अपना जनरल नॉलेज, अपना जो जनरल अवेयरनेस है उसको बढ़ाइए, अपना बेसिक अच्छा कीजिए, मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छी कीजिए, इंग्लिश की जो मीनिंग्स से वोकैब पावर है उसको अच्छा कीजिए, इंग्लिश सीखिए, टेंसेस, मॉडल्स, और घर में ऐसा वातावरण तैयार कीजिए जहाँ आप इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। बहुत कुछ है यार करने को। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं, आगे बढ़ें, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए ये था आपके आज की 50 मीनिंग, आज जो हमने डिस्कस की 50 मीनिंग आपकी टोटल हो गई, ये 200 मीनिंग, ठीक है। तो 200 के 200 याद होनी चाहिए आपको, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और मेरा ऐप भी है, यदि आपको PDF चाहिए तो ऐप में भी मैंने PDF दे रखा है। ऐप डाउनलोड करने के लिए करना क्या, आपको वी लीड्स टाइप करना है प्ले स्टोर में जाके, और ऐप को करना है डाउनलोड सारी। आपको यहाँ 9th 10th 11th 12th और इवन आपको इंग्लिश ग्रामर की, कॉम्पिटेटिव स्पीकिंग की सारी आपको बुक्स भी यहाँ मिल जाएगी, मेरी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारे मैंने आपको NCERT की यहाँ बुक्स सारी मिल जाएगी, साइंस, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, घर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको, पढ़िए, ठीक है। सारी मैंने दे रखा है, और इवन जो मैंने आपको कोर्सेज बनाए हैं उनका जो कॉस्ट है वो 98% ऑफ कर दिया है, परिस्थिति को देखते हुए 98% ऑफ, तो बहुत ज़्यादा ऑफ है। आप जाके उसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और कोई भी किसी तरह का डाउट हो किसी चीज़ को लेके, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और मैंने ग्रुप भी बनाया है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपकी जो भी समस्याएं होगी उनका आपको सॉल्यूशन दे सकूं, और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो लाइक शेयर तो बनता ही है, तो लाइक जल्दी से कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और फिर बता रहा हूँ।